Hello, good morning students. Once again, I am welcome. I am K. Mishra, welcome all of you in online classes of science. Students, as you know, at present we are studying sound. In this chapter, we have studied many things about how sound is produced, about various instruments which produce sound. As you know that sound is produced by some musical instruments also, and these musical instruments are of two types. I have told you two types or three types. I have told you first one in which sound is produced by string, ek tar se, string se sound produced kiya jata hai, for example guitar se, tar veera, etc. And second, musical instruments are those musical instruments in which sound is produced by membrane, like in dholak, in tabla, in drum. Clear? And third type of musical instruments are those in which sound is produced by the vibration of air column, like mouth organ, like flute, shehnai, harmonium, all these things. Now, what I am going to discuss with you today is about a toy telephone. कभी बनाया है toy telephone आप लोगों ने? Toy telephone. आपको पता है अभिमान, पिछले साल आप लोग जब 7th में थे तो जो बच्चे 8th में थे, मतलब 9th का जो बैच है, उस बैच में हमने toy telephone बनवाया था एक्टिविटी में. और ये एक्टिविटी करके जो बच्चे लाए थे उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के हमने ग्रुप में डलवाया था. तो हम देखते हैं एयर्थ में कौन से बच्चे ये टॉय टेलीफोन बना करके और इससे बात करके अपने रिकॉर्डिंग करके 2 मिनट का वीडियो हमारे पास भेजते हैं. देखते हैं कौन बच्चे भेजते हैं. उसमें जो सबसे अच्छा वीडियो आएगा हमारे पास, जो शेयर करेंगे सबसे अच्छा वीडियो, उसको हम ग्रुप में शेयर करेंगे. ओके, तो लग जाइए आप लोग इस काम में. हम बता देते हैं कैसे बनेगा तरीका. इसका आपकी बुक में देखिए, आपकी बुक में इसका डायग्राम दिया हुआ है. ये देखिए टॉय टेलीफोन, यहाँ पे ये फिगर इसका दिया हुआ है टॉय टेलीफोन का. ये बताते हैं आपको, जो पेपर या प्लास्टिक का ग्लास होता है, यूज एंड थ्रो वाला होता है, एक ही बार जो यूज किया जाता है, प्लास्टिक का या पेपर का ग्लास होता है, कॉफी ग्लास, टी ग्लास, उस ग्लास को ले लेंगे, दो ग्लास ले लेंगे. ठीक है, एक ग्लास हम ये मान लेते हैं और दूसरा ग्लास हम ये मान लेते हैं. ये दो ग्लासेज हैं. ठीक है, ऐसे हमने रख दिया ग्लास, इसको जानबूझ के ऐसे रखा है. अभी बता रहा है क्यों, इसका मुंह इधर है इस ग्लास का और इस ग्लास का मुंह इस साइड. क्या करते हैं, इसके बेस में क्लिक करके, ये इसका बेस है, इसके बेस में हम ऐसे क्लिक करके एक थ्रेड को बड़ा सा गला में इसको लगा देते हैं, थ्रेड. और इसी थ्रेड का दूसरा वाला जो पोर्शन है, हम थ्रेड को दूसरे रबर से ड्रॉ करें. हो सकता है आपकी समझ में आए, ये थ्रेड है वाइट कलर. ठीक है, इस थ्रेड का जो सेकेंड एंड है, ये सेकेंड एंड हम इसमें ऐसे ही क्लिक करते हैं. इस वाले ग्लास में भी हम थोड़ा सा ऐसे क्लिक करते हैं, थ्रेड इस बार ले आके एक बड़ा सा इसमें नॉट लगाते हैं. हमारा टॉय टेलीफोन तैयार है. ये नॉट हमने लगा दिया, इसका भी नॉट हमने लगा दिया. ये हमारा टॉय टेलीफोन तैयार है. बस इतना ही करना है. स्मृति कमलापुरी, आशुतोष कुमार, जैन, अब्बास आजी, हम सारे बच्चों से कह रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग वीडियो क्लास, ऑनलाइन क्लास, बट कुछ बच्चों के नाम तो हमने आपको बता ही दिए. ये बच्चे ट्राई करेंगे, देखते हैं ड्रॉ कर उसको प्रिपेयर कर पाते हैं कि नहीं. ये टॉय टेलीफोन अब क्या होगा, यहाँ से अग्रिमा, यहाँ से जब बोलेगी मुंह लगा के यहाँ पे, ये हिस्सा
स्मृति का प्रॉब्लम के ईयर पर रहेगा या जानवी के कान पे रहेगा ये वाला पोर्शन, और वो वाला पोर्शन माउथ पे रहेगा। यहाँ से जो बोला जाएगा उसको बड़े इजी वे में यहाँ से हमको सुनाई देगा। जो साउंड यहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे ये साउंड इस साइड में लिसनर को सुनाई देगा। यहाँ पे मान लेते हैं लिसनर है, लिसनर, और इस जगह पे आपका साउंड प्रोड्यूसर है जो बोल रहा है। बात समझ में आई, बन जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं, हमारे पास भेजते हैं, कितने बच्चे शेयर करते हैं। अब इससे आगे ट्राई टेलीफोन की बात हो गई। हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, आपके बुक में लिखा हुआ है, इसके वैल्यू सिस्टम लिखे हुए हैं, केवल इसको रीड कर देना है। और आप भी इसको इस ये वीडियो देखने के बाद जरूर एक बार रिवाइज करिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ओपन योर पेज नंबर 169। तो मैकेनिज्म हाउ वी हियर, इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है द आउटर ईयर कलेक्ट साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स देम इनटू द ईयर कैनाल। ये जो आउटर ईयर है हमारा, ये ईयर किडनी, ये साउंड को डिटेक्ट करता है, कैच करता है, और कैच करके हमारे इंटरनल ईयर को भेजता है। ये बात समझ आ रही है। दूसरा लिखा हुआ सेकेंड पॉइंट, द ईयर कैनाल कैरी साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम। अब जो ईयर कैनाल है, इसमें देखिए ये डायग्राम बना हुआ ईयर का, इसमें जो ईयर कैनाल है ये साउंड वेव्स को ले जाती है और भीतर ईयर ड्रम पे, और उस साउंड वेव से वही ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। आगे लिखा होगा दिस साउंड वेव कॉज द टिम्पैनम मेम्ब्रेन दैट इज ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। लिखा हुआ है द बोन इन द मिडिल ईयर, क्या होती है बोन, पिक अप वाइब्रेशन फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन को पिक अप करता है ये बोन, ठीक। वाइब्रेशंस पास थ्रू द ईयर ड्रम इन द इंटरनल ईयर सेटिंग द फ्लूइड इनसाइड द कॉक्लिया इन मोशन। कॉक्लिया हमारी सबसे छोटी बोन है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है ये कॉक्लिया। कॉक्लिया में भी मूवमेंट होता है तब हम उसको हियर कर पाते हैं। इससे ये लिखा हुआ है कि आप 7 पॉइंट्स बिल्कुल इसको पढ़ लेंगे, हम होमवर्क इसको देते रहे हैं। पॉइंट 1 to 7 ये आपका होमवर्क है, इसको रिवाइज करिए आप। रिवाइज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको जान लेते हैं बच्चों, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज वाइब्रेशन ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आकाशीय गहरी, आकाशीय अनोखी, अटेंशन हियर, द टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। क्लियर हुआ? एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग वाइब्रेशन कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is known as vibration, and number of vibration per second is known as frequency, इसको frequency कहते हैं। और time period किसको कहते हैं, time taken by the object to complete one vibration complete करने में उस object को जितना time लगा हो वो उसका होता है time period। इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई सबको, समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर। नाउ अबाउट लाउडनेस एंड पिच वी विल स्टडी लेटर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स योर टुडेज होमवर्क इज
read very carefully the mechanism of hearing in human beings. This is your homework for today, students. Stay home and be safe. Thank you, class. Thank you.